पाकिस्तानी सांसद साथी अभिनेता आमिर लियाकत हुसैन का गुरुवार को 49 साल की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें कि वे कराची के अपने घर में ही बेहोशी की हालत में पाए गए थे, जिसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें उनके निधन की खबर नेशनल स्पीकर परवेज अशरफ ने सदन में बताई थी, जिसके बाद उनके फैंस के बीच साथ ही पूरे पाकिस्तान की जनता के बीच एक शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि हाल ही में वे अपनी तीसरी बीवी दानिया शाह से तलाक को लेकर काफी चर्चा में आए थे, जिसके बाद उनकी कई आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी। सूत्रों का कहना है कि लियाकत के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब हाउस स्टाफ ने कई बार उनका दरवाजा खटखटाया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उनके घर पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि आमिर लियाकत की बीवी रात से ही तबीयत ठीक नहीं, उन्हें चेस्ट में काफी ज्यादा पेन हो रहा था। वहीं लियाकत के ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक दिन पहले ही कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनी थी। पुलिस के मुताबिक लियाकत के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिन्ना अस्पताल या सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, इसके बाद उनके शव को परिवार को सौंप दिया जाएगा। इस खबर पर लगातार हम आपको और अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर पर अभी के लिए इतना ही।